हेलो दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा लेसन 5, पृथ्वी के परमाणु परिमंडल। तो आज हम पृथ्वी के परिमंडलों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि तो देना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। परिमंडल क्या है? देखिए, परिमंडल क्या है? परिमंडल का मतलब है पृथ्वी को जिन मंडलों में बांटा गया है उसे परिमंडल कहते हैं। इसका जिन मंडलों में बांटा गया है, मंडलों में बांटा गया है मतलब पृथ्वी को पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस रूप पे? उसके मंडलों के हिसाब से, यानी उनके स्थलों के हिसाब से, उनके मंडलों के हिसाब से। तो इस तरीके से चार प्रकार से बांटा गया है। वो चार प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो होगा वो हो जाएगा हमारा स्थल मंडल या भूमंडल। भूमंडल भूमंडल दूसरा हो जाएगा हमारा जलमंडल। तीसरा हमारा हो जाता है, तीसरे नंबर का होता है हमारा वायुमंडल। और चौथे नंबर का हो जाता है जीवमंडल या जैवमंडल। तो चार प्रकार से बांटा गया है, यानी परिमंडल को चार भागों में बांटा गया है। पहला भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। अब देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम भूमंडल की बात करेंगे। तो भूमंडल क्या है? भूमंडल तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली वह ठोस पट्टी या परपट्टी या स्थान, ठीक है ना। पृथ्वी पर पाया जाने ठोस स्थान, ठीक है, ठोस स्थान जहां पर क्या होता है, जहां पे जैसे कि महासागर, धरती पाई जाती है, पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। वो एरिया यानी वो स्थान, ठोस स्थान जहां पर पर्वत पठार हो गया, चट्टाने पाई जाती हैं, चट्टाने, मिट्टी, ये सब पाई जाती हैं, उस स्थान को, उस स्थल को क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। उसे हम भूमंडल कहते हैं। तो भूमंडल कहते हैं, और भूमंडल में हमारे चीजें आ जाती हैं। कौन सी? हमारे सात महाद्वीप आ जाते हैं। सात महाद्वीप कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा यूरोप के बाद अफ्रीका, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की क्या खास बात है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो जो हमारा भूमंडल है या स्थल मंडल है वो कहाँ? ठोस स्थान होता है, यानी उस पर चट्टानों का बना होता है, मिट्टी का बना होता है, उस पर पर्वत पठार, चट्टाने, मिट्टी, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरा, इस पर सात महाद्वीप पाए जाते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये सात महाद्वीप पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी मानव निवास नहीं करता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इनके कह सकते हो आप, इनके केंद्र बने हुए हैं। जैसे कि भारत का केंद्र है, भारत का एक केंद्र है भारती मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये क्या है? ये रिसर्च सेंटर है जो यहाँ पर लगाए गए हैं। कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप पर लगाए गए हैं। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, और एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो यूरेशिया है। अफ्रीका महाद्वीप हमारे पृथ्वी के मध्य में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक दूसरे को किसके पनामा स्थल संधि पर जोड़ते हैं। मतलब यहाँ से इस तरीके से जाएगा, यहाँ पनामा स्थल संधि पे क्या करता है? अमेरिका को जोड़ता है। स्थल संधि पर जोड़ते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा भूमंडल। अब बारी आती है जलमंडल क्या है। तो जलमंडल क्या है?
तो जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है, 71% जल पाया जाता है और 29% स्थल पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। तो जो जल है वो 71% पाया जाता है, मतलब हमारा लगभग 71% हिस्सा 100 में से क्या है, जल है। और इस जल में क्या होता है, ये जल में हमारा पीने योग्य पानी होता है, खारा पानी होता है, इस तरीके का मतलब पानी को बांट दिया गया है। अगर देखा जाए तो हमारा जो जल मंडल है वो कितना बड़ा है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें आ जाते हैं महासागर, महासागर, समुद्र, समुद्र, नदियां, तालाब, ये सभी स्थल मंडल में उसमें जल मंडल में आ जाते हैं। जलमंडल में आ जाते हैं तो बात करें महासागर, टोटल कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं, 5 महासागर हैं। 5 महासागर कौन कौन से हैं तो बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा है हमारा आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर के बाद हमारा कौन सा है, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। और जो 5वें नंबर का है हमारा दक्षिण महासागर, जो दक्षिण में पाया जाता है। तो ये 5 महासागर, प्रशांत, अंटार्कटिक, हिंद महासागर, अंटार्कटिक और कौन सा, दक्षिण महासागर, ये 5 महासागर पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, जो कि इस जलमंडल में आ जाते हैं। इसके बाद बात की जाए तो हम वायुमंडल की करते हैं। वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैस की पतली परत या गैस की ये पृथ्वी होगी, ये गैस परतें पाई जाती हैं। इन्हीं गैस परतों को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर एक गैस परत पाई जाती है, गैसों की परत पाई जाती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और ये गैस परत जो है हमें वायु देता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसें उपस्थित होती हैं उस वायुमंडल में। और वायुमंडल के पार्ट क्या होते हैं, तो वायुमंडल को 4 पार्टों में बांटा गया है, 5 पार्टों में बांटा गया है। ये हमारी पृथ्वी के पहली जो लेयर होगी वो होगी क्षोभ मंडल में जो भी तूफानी क्रियाएं, वर्षा, बरसात, ये सब जिसमें हम सांस लेते हैं वो क्षोभ मंडल कहलाता है। इसके ऊपर की जो परत होगी वो कहलाती है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाना या फिर जो भी चीजें उड़ा, वायुयान वगैरह वगैरह, वो सब इसमें उड़ते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर क्या समान होता है, घटता बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर समान होता है। इसके बाद आता है हमारा मध्यमंडल में ओजोन परत होती है, उपस्थित होती है। वैसे ज्यादा भाग समताप मंडल में स्थित होता है, लेकिन कुछ भाग यहाँ पे भी होता है। वो भाग जो यहाँ उपस्थित होता है वो क्या करता है, वो जो बाहर से उल्का पिंड आते हैं उन्हें रोकता है। दूसरा ये क्या, वो भाग सूर्य की किरणों को परिवर्तित कर देता है, यानी कि प्रादायनी किरणें जो हमारे शरीर को इफेक्ट पहुंचाती है उन्हें वापस दोबारा से परावर्तित कर देता है। उसके बाद आता है आयन मंडल की बात की जाए तो आयन मंडल क्या है, आयन मंडल में क्या होता है, पृथ्वी स्तर से जब कोई संकेत भेजा जाता है रेडियोएक्टिव किरणों के द्वारा, रेडियोएक्टिव या अवरक्त किरणों के द्वारा, जो भी है, जो ऊपर जाके क्या होती है, यहाँ से परावर्तित होकर वापस आ जाती है, यानी अनुनाद की क्रिया बनाने के बाद क्या होता है, एक अनुनाद क्रिया होती है, यानी अनुनाद। जब फ्रिक्वेंसी समान हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे उस पर क्या आता है, हमारे टीवी पर या फोन में टावर आ जाते हैं, टावर यानी कि नेटवर्क आ जाते हैं। तो वो कंडीशन यहीं से होती है, मतलब कि वो परिस्थिति यहीं से बनती है जब हमारे नेटवर्क यहाँ जाते हैं और यहाँ से वापस आ जाते हैं परिवर्तित होकर। फिर आता है बाह्य मंडल की बात की जाए तो यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च की जाती है,
सैटेलाइट यानी कि उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, जो भी चीज़ होती है बाहर जाने के अंतरिक्ष की, सबसे भारी हिस्सा पृथ्वी की परत का यानी वायुमंडल का यही हिस्सा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं वायुमंडल को 5 पार्टों में, सौरमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बाह्यमंडल में बांटा गया है। तो वायुमंडल यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हमारा आता है जीवमंडल। तो जीवमंडल, जीवमंडल क्या है? आप देखे हुए कि ये संकर क्षेत्र है, संकरी क्षेत्र। संकरी क्षेत्र क्या होता है? यानी उभयनिष्ठ। ये हमारा मान लीजिए वायुमंडल है, वायुमंडल। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्थलमंडल है या भूमंडल है, स्थलमंडल या भूमंडल। ये हमारा जलमंडल है, जलमंडल, जलमंडल। तो इसका जो संकरी क्षेत्र होगा, संकरी क्षेत्र यानी संकरी, संकरी या उभयनिष्ठ क्षेत्र जो होगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र, क्षेत्र वो जैव मंडल कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है, कहलाता है। जैव मंडल क्यों कहलाता है? क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है, वहां पे वायु, जल और स्थल ये तीनों चीज पाई जाती हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है, लिए आवश्यक है, और इसी कारण इसे जैव मंडल कहते हैं। तो आप समझ सकते हो स्थल मंडल और वायुमंडल और जल मंडल, इन तीनों का जो संकरी या फिर उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है।